हेलो एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर द सिक्स केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर के जो सिक्स केसेस हैं जो कि हम रे डायग्राम में बनाते हैं या उसकी एक टेबल होती है उसमें हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक आज पढ़ने जा रहे हैं। पहले भी हम इस टॉपिक पर रूल्स टू ड्रॉ कॉनकेव मिरर डायग्राम हम लोग बना चुके हैं। ऐसी ही और शॉर्ट ट्रिक के लिए, उन्हें देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी हो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम याद करते हैं आसानी से, बहुत आसानी से, सिक्स केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर, और वो भी इस तरीके से कि पूरी लाइफ में आप उनको कभी ना भूल पाएं। ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम बना रखा है, आप देख रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना रखा है ऑलरेडी, ये डॉटेड लाइन है, यानी ये यहाँ पर इनफाइनाइट आपको नज़र आएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर के सिक्स केसेस ही क्यों होते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है सी, यहाँ पर एक पॉइंट है एफ और ये एक पॉइंट है पी। ये तीन पॉइंट मिरर के सामने हैं और ये सामने वाले रीजन को टोटल सिक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन से सिक्स पार्ट हैं वो अभी मैं आपको बताऊँगा और उसी से आपको पता चलेगा कि हमारे पास कॉनकेव मिरर के लिए सिक्स केसेस ही क्यों हैं। देखिए, मैं अभी नंबर डालने वाला हूँ। पहला नंबर है इनफाइनाइट, यानी एक ये लोकेशन है इनफाइनाइट जिसका है वन नंबर, यही आपका पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो रीजन होगा वो रीजन होगा इनफाइनाइट से सी के बीच का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या कह सकते हैं बियॉन्ड सी। तो ये हो गया एट इन्फिनिटी, दूसरा हो गया बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी या बियॉन्ड सी, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हो गया आपका एट लोकेशन सी। तो तीसरा केस आप बनाएंगे एट सी, तो आपका तीसरा केस हो गया। चौथा केस बनेगा आपका सी और एफ के बीच का, तो आपकी चौथी लोकेशन हो गई बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। फिर आपकी पांचवी लोकेशन हो गई एट एफ, तो आपका पांचवा केस हो गया एट एफ। छठा केस हो गया आपका बिटवीन एफ एंड पी। इस डायग्राम से आप याद रख सकते हैं कि छह केसेस क्या होते हैं। पहला केस है एट इन्फिनिटी, दूसरा केस है बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तीसरा केस है एट सी, चौथा केस है बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा केस है एट एफ और छठा केस है बिटवीन एफ एंड पी। इस तरह से इसके छह केसेस बनते हैं।